Hi everyone, this is dietitian Renu Verma. Welcome back to my channel. As we all know कि हमारा जो शरीर है वो different organs और parts के से बना हुआ है और ये organs और parts जो है ये हमारे body में tissue और cells के साथ बने हुए हैं और ये tissue और जो cells हैं they are composed of different chemical elements like there are 16 chemical elements है जिनसे ये हमारे tissues and cells जो है वो बने हुए हैं. क्या आपको पता है कि ये टिश्यू और सेल्स की एग्जैक्ट कंपेटेबिलिटी, इनका एक एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में काम करना उतना इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर को डिजीज़ फ्री रखने के लिए, एक अच्छी बॉडी को एक हेल्दी कंडीशन में रखने के लिए. जो भी हम खाना खाते हैं आज के टाइम में, जब वो हमारे बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है और वो एक ऐश प्रोड्यूस करता है और वो ऐश जो है वो कुछ भी हो सकती है, एसिड भी हो सकती है, एल्कलाइन भी हो सकती है. सो टुडेज टॉपिक इज़ the importance of alkaline diet to get a disease-free life. So video को end तक ज़रूर देखिएगा. So हर एक चीज़ का एक pH level होता है. pH level is the potential of hydrogen because 0 से लेकर 14 तक हमारा pH scale होता है, चाहे वो soil का हो, चाहे वो ocean का हो, चाहे वो हमारी human body का. और human body में भी different, और जैसे कि हमारा blood का pH level different है, हमारा stomach का pH level different है, हमारे tears का pH level different है, हमारे जो like पसीना है उसका pH level different है. So they have the different pH levels. तो पी एच लेवल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. सो 0 to 7 तक जितनी रेंज की जो चीज़ें आती हैं दैट इज़ लाइक एसिडिक एंड 7 to 14 इज़ लाइक एल्कलाइन. हमारा जो ब्लड का लेवल है दैट इज़ स्लाइटली न्यूट्रलाइज, स्लाइटली लाइक एल्कलाइन, दैट इज़ 7.4. सो बेसिकली रिसर्चेज आर कमिंग डे बाय डे कि एल्कलाइन वाटर लेना चाहिए, एल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए. सो व्हाई एल्कलाइन डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ वी कैन टेक दिस एल्कलाइन डाइट एंड डाइट, तो आज इसी के बारे में हमने बात करनी है. तो जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं जब हमारी बॉडी में जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो उनका डाइजेशन के बाद ऐश प्रोड्यूस होती है, वो एसिडिक होती है या कईयों की एल्कलाइन होती है. बट अभी जैसे कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं जैसे धीरे धीरे, तो वो हमारी जो डाइट है उसके अंदर एसिडिक जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है. बेसिकली हमारी किडनीज़ के अंदर, किडनीज़ ही हमारा जो फूड से हम बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेशन के बाद जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो किडनीज़ ही उसको यूरिन के थ्रू फिल्टर करके बाहर निकाल देती है. सो दैट एक जो नॉर्मल बैलेंस चाहिए बॉडी के अंदर, एक इक्विलिब्रियम जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी है, उसको मेंटेन करने के लिए किडनीज़ एक्सेस एसिड को जो है रिमूव कर देती है थ्रू यूरिन. बट व्हेन देयर इज़ ओवरलोड ऑफ एसिड, जब हमारा शरीर के अंदर एसिड का बहुत ज़्यादा ओवरलोड होना शुरू हो जाता है एंड द किडनीज़ लाइक बर्डन विद द ओवरलोड ऑफ एसिड, एसिडोसिस हो जाता है शरीर के अंदर, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ आना शुरू हो जाती है. इट कैन बी आर्थराइटिस, डायबिटीज़, बोन डेंसिटी का वीक होना, या आर्थराइटिस के साथ साथ कैंसर तक जैसी बीमारियाँ जो है वो इस एसिडोसिस की वजह से शरीर के अंदर आ जाती है. तो अगर हमने इन चीज़ों से बच के रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बॉडी के अंदर एल्कलाइन लेवल को मेंटेन करके रखना पड़ेगा. अभी हमें क्या करते हैं कि अभी हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ये जो एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑल आर लाइक एसिड बेस्ड एक्सेप्ट फिश. अगर फिश की बात करी जाए तो उस वो थोड़ी सी स्लाइटली एल्कलाइन है, अदरवाइज ऑल द लाइक नॉन वेजिटेरियन थिंग्स आर एसिडिक. बट एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक एसिडिक चीज़ों को टोटली हम अवॉइड करें या बॉडी के अंदर एक एल्कलाइन लेवल को मेंटेन करके रखें, बट देयर इज़ नीड टू मेंटेन अ बैलेंस. उसके लिए हमें क्या है कि बॉडी के अंदर एक एग्जैक्ट बैलेंस बनाने के लिए 80% एल्कलाइन एंड 20% एसिड, ये दोनों चीज़ें कंबाइंडली ही इफेक्ट करती है. बिकॉज अगर बॉडी के अंदर एल्कलाइन लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा तभी भी हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है. सो अभी हमें क्या करना है कि 4/5 ऑफ द प्लेट शुड बी फुल ऑफ एल्कलाइन फूड्स एंड रेस्ट ऑफ द 1/5 प्लेट इज़ फुल ऑफ एसिडिक फूड्स. जितने भी हमारे फ्रेश ग्रीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं दे ऑल आर लाइक एल्कलाइन.
इसलिए ग्रीन जूसेस, ग्रीन स्मूदीज, ग्रीन्स जितने मैक्सिमम अपनी डाइट्स के अंदर लेके आ सकते हैं, दे आर लाइक अल्कलाइन ऑनली, और आप इनको स्टीम करके, सॉटे करके, स्टर फ्राई करके अपनी तीनों मील्स के अंदर लेके आ सकते हैं. उसके अलावा फ्रूट्स, एक्सेप्ट प्लम्स एंड प्रियून्स के अलावा बाकी सारे फ्रूट्स ऑलमोस्ट जो हैं वो अल्कलाइन है. सो फ्रूट्स आर रियली गुड, यू कैन हैव देम इन योर लाइक स्मूदीज एंड जूसेस. तो फ्रूट्स डेली, जितने भी सीजन के अंदर फ्रूट्स हैं उनको लेके आइए, जस्ट टू मेक योर बॉडी अल्कलाइन. और इसके अलावा नट्स एंड सीड्स की मैं बात करूँ तो एलमंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट अल्कलाइन नट. इसके अलावा बाकी नट्स जो हैं दे आर स्लाइटली एसिडिक, बट इसमें से बादाम जो है वो सबसे बेस्ट अल्कलाइन है. उसके अलावा सीड्स जो हैं तो उनमें से पम्पकिन सीड्स जो है इट इज़ द लाइक बेस्ट अल्कलाइन सीड. बाकी जितने भी सीड्स हैं हल्के से स्लाइटली वो एसिडिक आ जाते हैं. इसी तरीके से जो प्रोबायोटिक्स हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ दिस अल्कलाइन इन योर बॉडी. तो प्रोबायोटिक्स को डेली डाइट में ज़रूर से शामिल कीजिए. इसके अलावा मैं बात करूँ अल्कलाइन वाटर की, डोंट गो फॉर एनी रेडीमेड बॉटल्ड अल्कलाइन वाटर. यू कैन मेक योर ओन अल्कलाइन वाटर, जिसको कि रात भर एक लीटर पानी के अंदर आप 3 to 4 क्यूकम्बर स्लाइसिस करके, 2 to 4 लेमन स्लाइसिस करके, या उसके अंदर कुछ फ्यू स्प्रिग्स ऑफ दिस मिंट, एंड इसके अलावा कुछ आप अदरक की स्लाइसिस करके डाल दीजिए ओवरनाइट. तो नेक्स्ट डे यू कैन ड्रिंक दैट वाटर होल डे, अपना रेगुलर वाटर की कंजम्पशन की तरह उसको पी सकते हैं. तो दैट इज़ द अल्कलाइन वाटर. और ख़ास करके जो एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट्स हैं उनके लिए अल्कलाइन डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. और अगर आप डिजीज़ फ्री रहना चाहते हैं, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़ लाइक आर्थराइटिस है आपको, या कुछ और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिजीज़ हैं लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलरली अल्कलाइन डाइट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो उनको जो है अपनी डाइट में खास सा ध्यान देना चाहिए कि उनके शरीर के अंदर ज़्यादा इनटेक जो है वो ग्रीन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हो. और इसके अलावा जितने भी सीरियल्स और ग्रेन्स जो हैं अगर उनको डाइजेशन के लिए यूज़ करना है, उनका इफेक्ट अल्कलाइन लेना है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको ओवरनाइट सोकिंग करने से क्या होता है, जितने भी लेग्यूम्स हैं, ग्रेन्स हैं या नट्स एंड सीड्स हैं, अगर हम उनको ओवरनाइट सोक कर देते हैं तो उनका एसिडिक इफेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है और दे लाइक बिकम अ अल्कलाइजिंग फूड. तो एक तो आप जो भी जब भी चीज़ें ऐसी वाली खाएँ, नट्स एंड सीड्स या ग्रेन्स, तो उनको ओवरनाइट सोक कीजिए. और इसके अलावा उनको स्प्राउटिंग करना इज़ मस्ट, बिकॉज स्प्राउटिंग करने से भी उनकी अल्कलाइजिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता है. सो टू सम अप ऑल दिस थिंग्स, सबसे पहले अगर आपको डिजीज़ फ्री लाइफ लीड करनी है तो ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन एसिडिक फूड एंड अल्कलाइन फूड. सो योर थाली शुड बी 4/5 ऑफ अल्कलाइजिंग फूड. इट कैन बी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सोग नट्स, सीड्स एंड ग्रेन्स. और इसके अलावा जो बेस्ट अल्कलाइजिंग सीरियल्स हैं वो है हमारे एमरंथ है, किनवा है, उसके अलावा रागी है, दे आर द बेस्ट अल्कलाइजिंग सीरियल्स. और जितनी भी दालें हैं उनको सोक करके खाइए, नट्स एंड सीड्स को भी सोक करके खाइए. ज़्यादा क्वांटिटी में अपने ग्रीन, इट कैन बी यू कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ स्मूदीज, स्प्राउट्स, और किसी भी तरीके से अपनी उसके अंदर जो है वो लेके आइए. इसके अलावा एक्सरसाइजेस ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल. सो डोंट फॉरगेट टू डू द रेगुलर योर एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन जस्ट टू गेट द कंप्लीट हेल्थ एंड फिटनेस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज़ लाइक इट, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम द टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड.